दोस्तों वतन अजीज की सारी सियासी जमायतों की कारकर्दगी एक तरफ और इमरान खान के 3 सालों की कारकर्दगी एक तरफ, आओ एक छोटा सा जायजा लेते हैं। सब सियासतदानों की जायदादें मुल्क से बाहर, इमरान खान अपना इकलौता फ्लैट बाहर से बेचकर पाकिस्तान में घर बनाता है। सारी दुनिया की एजेंसियों ने जोर लगाकर मालूम किया, पता चला इस शख्स की पाकिस्तान से बाहर ना कोई प्रॉपर्टी है ना कोई कारोबार। सारे सियासतदान कारोबारी मुफाद के लिए गैर मुस्लिमों से हाथ मिलाते रहे, उनकी दावतें करते रहे, उनको खुश करने के लिए अपने मुल्क को खुद दहशतगर्द कहते रहे और इमरान खान लंदन, अमरीका, अरब, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान जाकर पूरी दुनिया के सामने कहता रहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश मगरिब ने की है। भाई लोहे का जिगर चाहिए तुमको, मगरिब में खड़े होकर उनके सामने कहो कि तुमने मेरे दीन के खिलाफ साजिश की थी, है किसी में जुर्रत? ये सब सियासतदान ईद मनाने के लिए भी मगरिब जाते थे। ये शख्स 3 सालों में कभी भी किसी त्योहार पर बाहर नहीं गया। जश्न ईद मिलादुन नबी यूं मनाया कि खातमुन नबीयीन की शान बयान करने, उनके उस्वाए हसना को पूरी कौम को समझाने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना दी, जिससे पहली बार 12 रबीउल अव्वल पर सरकारी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर असेंबलियों में चिरागां किया गया, दुरूद शरीफ सलावात की आवाजें गूंज रही थी। लाहौर को पेरिस बनाने वालों ने सूद पर उधार पैसा लेकर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, बस तो बना दी जिसका कर्ज हम आइंदा 30 सालों तक भी उतारते रहेंगे, मगर उसी ऑरेंज ट्रेन के आसपास दूर दराज से आए लोग फुटपाथ पर सोते रहे। सख्त सर्दी में बेयारो मददगार बेघर लोग ठिठरते रहे, ना कोई सियासतदान आया उनके पास, ना किसी चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। फिर इसी इमरान खान ने वहाँ पर पनाह गाहें बना दी, मुफ्त खाना बैतुल माल से खिला रहा है, हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और अब कम से कम कोई गरीब, कोई परदेसी सख्त सर्दी में फुटपाथ पर नहीं सोता या भूखा नहीं रहता। सियासतदान अपना इलाज लंदन में, अमीर अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाते थे और गरीब को सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया गया, जहां किसी गरीब को मामूली ऑपरेशन की तारीख भी 3-3 महीने की दी जाती थी। 2 रास्ते होते थे गरीब के पास, या तो वो किसी से लाखों रुपए उधार ले, जेवर बेचे, घर बेचे और प्राइवेट अस्पताल में जाए, या फिर 3 माह तक सरकारी अस्पताल में बारी आने का इंतजार करे। और आज इसी इमरान खान ने पहले पख्तूनख्वा और अब पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए सालाना की इंश्योरेंस मुफ्त करवा दी कि जाओ अमीर गरीब एक जगह पर इलाज करवाओ, पैसा हुकूमत देगी। किसान को आड़ती लूट लेते थे, बीज और खाद उधार देकर कहते थे कि फसल पूरी हमें देना और किसान मजबूर होकर देता था। औने पौने खरीद कर गोदाम भर लेते थे, न गन्ने की पूरी कीमत देते थे न गंदम की। इसी इमरान खान ने मुफ्त ट्रैक्टर तक तकसीम किए हैं, किसानों को किसान कार्ड्स बनाकर दिए जिससे सस्ती खाद फ्राहम की जा रही है, हालांकि ताजर माफिया उतने ही जोर से खाद ब्लैक में बेच रहा है ताकि हुकूमत को गंदा कर सके, लेकिन हुकूमत एक एक करके इन सब के गोदामों को सील कर रही है ताकि किसान तक खाद सस्ती पहुंचे और किसान किसी के दबाव में आकर अपनी फसल गिरवी न रखे। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन, दुनिया के सबसे बहादुर पायलट, दुनिया की सबसे तेज तरीन सर्विस देने वाली PIA को सियासतदानों ने कबाड़ा कर दिया, और यहां तक नहीं छोड़ा बल्कि इसको बेचने की रट लगा रहे थे, यहां तक कि इसके साथ कौमी स्टील मिल मुफ्त दे रहे थे। PIA की मिल्कियत अमेरिका में मौजूद रोजवेलेट होटल गिरवी रख चुके थे जिसकी नीलामी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। कौमी एयरलाइन की सर्विस कुवैत, इराक, यूरोप, अमेरिका समेत मुतअद्दद ममालिक में बंद की जा चुकी थी कि PIA आज बंद हुई कि कल। और फिर इसी इमरान खान ने PIA को कर्ज की दलदल से निकाला, उसके होटल रोजवेलेट का सारा कर्ज उतारा, कुवैत समेत तमाम ममालिक के लिए एक एक करके PIA को फिर से चला दिया। और सुनो, अब पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए खित्ते में सबसे पहले जिसने डिजिटल मशीनरी खरीदी है उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बैंक गरीब को जूते की नोक पर रखते थे, कर्ज छोड़ो बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भी लंबी लाइनों में लगते थे, कर्ज सिर्फ अमीरों को मिलता था। और इसी इमरान खान की बदौलत वो सारे बैंक इस बात पर राजी हो गए कि वो अपना घर स्कीम में गरीबों को बिला सूद कर्ज देंगे। सैमसंग जैसी इंटरनेशनल कंपनी के मोबाइल फोन और TV पाकिस्तान में बन रहे, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में तारीख में पहली बार बन रही, सियाहत में पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन पर ले आया, स्कर्दू का एयरपोर्ट चला दिया जहां रोजाना हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आ जा रहे हैं, पहला वजीर आजम जो 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध वालों को भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत वफाकी बजट से दे गया, हिंदुस्तान की छाती पर पांव रखकर डैम बना रहा, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया, अफगानिस्तान और अमरीका की 20 साल से चल रही जंग खत्म करवा दी, परदेशियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोलने की सहूलत दे दी, नादरा के बाहर लगी लंबी लाइनें खत्म कर दी, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तर्ज के दफातर बना दिए जहां औरतों मर्दों के लिए अलहदा इंतजार गाहें, एयर कंडीशन
की सहूलत, नए दरख्त लगाना तो दूर, यहाँ हजारों दरख्तों के रोजाना काटने की खबरें चलती थी, वहाँ आज करोड़ नहीं अरब नहीं खरब दरख्त लगा रहे हैं, जिससे दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और जो पाकिस्तान 3 साल पहले तक सिफारती महाज पर अकेला हो चुका था, उसी पाकिस्तान की एक आवाज पर 56 ममालिक के सरबराहान OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई, आज तक की सबसे ज्यादा रेमिटेंस इन 3 सालों में आई, आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्री इन 3 सालों में शुरू हुई। अब मुझे बताओ कि मैं इमरान खान को किस चीज के लिए ब्लेम करूं? अमीर गरीब को एक निसाब देने के लिए, परदेशियों को वोट डालने का हक देने के लिए, किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए, अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने की दरख्वास्तें करने के लिए, अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए, मोदी को साड़ियां और आम भेजने की बजाय रिटेलिएशन की धमकी देने के लिए, अक्वामे मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इम्पोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफियों को झूठ बोलने पर सजा देने पर, किस चीज पर मैं ब्लेम करूं उसे? भाइयों, कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साल पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए हैं कि अल्लाह की कसम मुझे अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह की तरफ से खास रहमत है। वरना 56 ममालिक में वाहिद एटमी ताकत सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां? अगर किसी को मेरे बताए गए एक भी लफ्ज पर शक हो तो अपने सोर्सेज से चेक करना, एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और आज पहली बार मैं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान को भी जिंदाबाद कहता हूं।